पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिलबुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिलबुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। दो ही आदमी 18 घंटे काम कर रहे हैं, एक बिना मतलब और एक मामला। तुम्हारी मोदी नियतों से वाकिफ है, तुम्हारा रस कष्ट करंट लग गया खैर कष्ट करंट लग गया खैर। इस शख्स को भूल तो नहीं गए आप? ये वही इमरान के दुलारे मंत्री हैं जिनको कभी करंट लग जाता है तो कभी ये पाव पाव किलो के परमाणु बम बनाने का कीर्तिमान रच डालते हैं। ये है पाकिस्तान के शेख चिल्ली, मतलब शेख रशीद। लेकिन ये मंत्री बार बार भारत पर किसी न किसी तरह का आरोप लगाता रहता है और इस बार भी इसने ऐसा ही आरोप लगाया। दरअसल इमरान खान के नए पाकिस्तान में देर रात अचानक बिजली गुल हो गई। इसकी वजह से पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहर और प्रांत, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। और फिर क्या था, इमरान के इस कॉमेडी मंत्री शेख रशीद ने हमेशा की तरह इसका दोष भी भारत के हिस्से में डाल दिया। शेख रशीद ने पाकिस्तान में बिजली गुल होने का ठीकरा भी भारत के सिर फोड़ दिया। शेख रशीद ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की बिजली इसलिए काट दी ताकि वहां हो रहे किसान आंदोलन से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। अब भला कंगाल पाकिस्तान के इस बड़बोले मंत्री को कौन समझाए कि पाकिस्तान में बिजली कटने का भारत से कोई संबंध नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने शेख चिल्ली, मतलब शेख रशीद को ये समझाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक 50 से जीरो की गिरावट आने से देशव्यापी ब्लैकआउट हो गया। मंत्रालय के मुताबिक यह तकनीकी दिक्कत 11:41 बजे के करीब हुई। मंत्रालय ने लोगों से संयम बरतने के लिए कहा। फिलहाल क्रमबद्ध तरीके से बिजली की आपूर्ति को फिर से बहाल किया जा रहा है। राजधानी इस्लामाबाद के पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाने के बाद वहां के डिप्टी कमिश्नर हमजा सकफत ने ट्वीट कर जानकारी दी कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी सिस्टम यानी NTDC की ट्रिपिंग के कारण ब्लैकआउट हुआ। ट्रिपिंग को सही करने के लिए लोग जुटे हैं। पाकिस्तान में देशव्यापी ब्लैकआउट होने के बाद वहां सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट ट्रेंड करने लगा। दिलचस्प है कि इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है जब पूरे देश के लोगों को तकनीकी खामी की वजह से कई घंटों तक बिना बिजली के रहना पड़ा। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई थी। खैर कुछ भी हो, लेकिन इमरान के मंत्री शेख चिल्ली, मतलब कोई अरबपति नहीं शेख रशीद, अपने इन्हीं चुटकुल्लों की वजह से मशहूर हैं। इनके चुटकुल्ला पराक्रम की पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता। वैसे पाकिस्तान और इमरान खान का भविष्य भले ही अंधकार में हो, लेकिन पाकिस्तान के नए कॉमेडी उस्ताद शेख रशीद का भविष्य सुरक्षित है। मंत्री की कुर्सी जाएगी तो क्या हुआ, कॉमेडी की दुकान लगाकर लोगों को गुदगुदाने का काम तो कर ही लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।